हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑफ निशाज व्लॉग। फर्स्टली हम चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में, उसके बाद में संदीपनि आश्रम में, फिर भरतरी गुफा में। ओके, तो चलते हैं फर्स्टली मंगलनाथ मंदिर। गाइस, मंगलनाथ मंदिर इंडिया का फर्स्ट ऐसा मंदिर है जहाँ मांगलिक लोग दूर दूर से अपनी पूजा करवाने के लिए आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में मांगलिक लोग तो आते ही हैं, बट इनके अलावा भी बहुत सारे श्रद्धालु अपनी विशेज लेकर आते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा होती है और यहाँ पर मंगलनाथ महादेव भी हैं और हनुमान जी की भी प्रतिमा है। महादेव का भ्रात श्रृंगार किया जाता है, गुलाल श्रृंगार किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले मंगलनाथ महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करेंगे। ये क्या है? ये आप लिया है, पूजन तो नहीं होगा, लेकिन ये जो मेन दान है ये उन्हीं चढ़ा कराना है। आप इतनी दूर से आए हो, आपकी श्रद्धा से आए हो, तो ये दान हो गया ना, तो समझ लो आपने सब कुछ दान कर दिया। ये वहाँ मंदिर में चढ़ाया हुआ, आराम से आ जाना, ये यहीं रख लो, ये चढ़ा कर आ जाओ के पंडित जी, ये रख लो। अब हमने मंगलनाथ महादेव की भी पूजा कर ली है। तो गाइज, अब हमने मंगलनाथ मंदिर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है संदीपनि आश्रम। तो गाइज, अब हम घूम चुके हैं संदीपनि आश्रम। ये वो स्थान है जहाँ बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनि से 64 कलाओं की विद्या ग्रहण की थी। यहाँ 84 महादेव में से 40th नंबर का जो महादेव है कुंडकेश्वर महादेव, उसका भी मंदिर है। चलिए सभी जगहों के दर्शन कर लेते हैं। तो अब हमने श्री कृष्ण की विद्या स्थली मेमोरी देख ली है। श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया गोमती कुंड भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये श्री कृष्ण ने प्रकट किया था गोमती कुंड। चलते श्री कृष्ण की जो 64 कलाओं की पेंटिंग्स है उनको देखने के लिए। देखिए गाइस, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी पेंटिंग्स है। Thank you.
आश्रम के भी दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर जो है बर्तारी गुफा। गाइज उज्जैन के एक मोस्ट फेमस राजा थे जिनका नाम बर्तारी था, वो राजा बहुत प्रतापी थे। उन्होंने उज्जैन की एक गुफा में 12 साल तपस्या की थी और इसी कारण इसका नाम भी गुफा का बर्तारी गुफा बन गया, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य ले लिया था उस राजा ने, तो उनकी इस गुफा में तपस्या करने के कारण ही इसको बर्तारी गुफा कहा जाता है और आज ये उज्जैन के मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक बन चुकी है। आपको जितना हो सके मैं गुफा दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही बर्तारी गुफा। इस गुफा में जब देखने लायक कुछ है नहीं और धुआं धुआं ज़्यादा हो रखा है और कुछ गुफा है ना तो घुटन के कारण ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हम इसमें। मैंने इस गुफा को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। बाकी शिवलिंग है वो बहुत अच्छे हैं शिवलिंग। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।